तो नमस्कार, इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष कश्यप ने बेतिया के जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण किया। इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया है। पूरा मामला बता दें कि तमिलनाडु प्रकरण से मामला जुड़ा हुआ। तमिलनाडु प्रकरण को लेकर मनीष कश्यप पर FIR दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने FIR दर्ज किया था, जिसके बाद बिहार पुलिस लगातार मनीष कश्यप की खोजबीन के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। बिहार के साथ साथ अन्य राज्य में भी बिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। लगातार दिल्ली सहित अन्य राज्य में बिहार पुलिस मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन मनीष कश्यप ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण मनीष कश्यप ने क्यों किया है, पूरा मामला बता दें कि पूरा मामला देखिए कि मनीष कश्यप के घर पर बिहार पुलिस यानी कि बेतिया की पुलिस कुर्की जब्ती के लिए जाती है। कुर्की जब्ती के लिए जब बेतिया पुलिस मनीष कश्यप के घर पर जाती है, उसके बाद ही मनीष कश्यप जो है वो अपना आत्मसमर्पण जगदीशपुर थाना में जाकर कर देते हैं। बेतिया के जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण मनीष कश्यप ने कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी बेतिया के जो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। बेतिया के SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने साफ तौर पर इसकी जानकारी दे दी है कि मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया है, यानी कि मनीष कश्यप की अब पूरी तरह से कह ले कि गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला बता दें कि तमिलनाडु में फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप पर FIR दर्ज हुआ था। दूसरा फिर FIR मनीष कश्यप पर दर्ज हो गया था कि मनीष कश्यप के ट्विटर हैंडल, हालांकि वो मनीष कश्यप का ट्विटर हैंडल नहीं था, लेकिन मनीष कश्यप के नाम से ट्विटर हैंडल पर मनीष कश्यप का एक पोस्ट निकलकर सामने आया था, जिसमें मनीष कश्यप के द्वारा इसमें लिखा गया था कि मैंने अपना गिरफ्तारी दे दिया। और पहले का जो फोटो था उनके गिरफ्तारी का, जो हथकड़ी लगाया हुआ फोटो था, वो फोटो उस पर जारी था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने एक और FIR दर्ज कर दिया था। जिसके बाद मनीष कश्यप फिर लाइव आकर बोलते हैं कि वो मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस की कार्रवाई के बाद मनीष कश्यप का जो ट्विटर अकाउंट है, जो ट्विटर हैंडल है, उसको ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि लगातार मनीष कश्यप की खोजबीन के लिए बिहार पुलिस लगातार कई राज्य में छापेमारी कर रही थी। लगातार उसके बाद भी मनीष कश्यप के फेसबुक अकाउंट से भी लगातार वीडियो भी जारी हो रहा था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य में उनके द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा था। कई तरह के वीडियो वहां पर सामने आ रहे थे, जो खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है 2 दिन पहले ही मनीष कश्यप के अकाउंट को फ्रीज करवाया गया बिहार पुलिस के द्वारा। मनीष कश्यप का जो अकाउंट है उसको फ्रीज करवाया गया, जिसमें लगभग 4 अकाउंट में 42 लाख के करीब जो रकम था उसको फ्रीज बिहार पुलिस ने करवाया है, जिसमें HDFC के बैंक में सस्तक फाउंडेशन के नाम से 30 लाख से अधिक का रकम उसमें था, सहित HDFC के एक और बैंक, एक SBI के, यानी कि लगभग टोटल चार अकाउंट मिलाकर उनके अकाउंट में बताया जा रहा है कि 42 लाख समथिंग का रुपया था, जिसको फ्रीज करवा दिया गया। जिसका लगातार बिहार पुलिस की दबिश जो है मनीष कश्यप पर लगातार चल रहा था। पूरा मामला तमिलनाडु प्रकरण मामला है, जो तमिलनाडु में मजदूर, प्रवासी मजदूर है, जो उसके खिलाफ जो लगातार वहां पर बताया जा रहा था वीडियो में कि वहां पे मारपीट हुआ, बिहारियों को मारा जा रहा है, बिहारियों की, यानी कि बहुत सारी वीडियो जो निकलकर सामने आए थे, कई वीडियो वायरल भी हुए थे जिस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, लेकिन बिहार पुलिस ने उस वीडियो को फर्जी करार भी दिया और बताया कि ये फर्जी वीडियो है। उसके बाद देखिएगा बिहार पुलिस के जो फेसबुक अकाउंट है, यानी कि ऑफिशियल बिहार पुलिस ने अपनी जानकारी दे दी है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का। तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रामक, उन्माद फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित करने प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई थाना में अंकित कांड संख्या 3/2023 तथा 4/2023 के अभियुक्त मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस EOU के दबिश के कारण बेतिया के जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण किया है। तो बिहार पुलिस ने भी देखिए कि मनीष कश्यप के आत्मसमर्पण को करने के बाद जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फेसबुक और ट्विटर पे भी इसको साझा किया है, उसकी जानकारी पूरे बिहार वासियों को बिहार पुलिस ने दे दी है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ये वही मनीष कश्यप है जो FIR दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव पर जो है वो अपना भड़ास निकाल रहे थे कि तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज मनीष कश्यप ने दे दिया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होगी तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। हालांकि पत्रकारों का ये काम नहीं होता है कि आपकी सरकार 180 दिन में, यानी कि खुला चैलेंज देना, और वो चैलेंज दे दिए थे। लेकिन पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में पहले तो मनीष कश्यप पर हुए FIR को वापस लेने की बात पप्पू यादव कह रहे थे, लेकिन
उसके बाद फिर पप्पू यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पे आकर लाइव आकर उन्होंने साफ तौर पर मनीष कश्यप पे पूरा भड़ास निकाला कि बताया कि तमिलनाडु मामला में जो भ्रामक खबर फैलाया है उसमें मनीष कश्यप दोषी है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को किसका सपोर्ट मिल रहा है? बीजेपी नेताओं का। उन्होंने पप्पू यादव ने बताया कि बीजेपी के नेताओं के सपोर्ट के कारण जो है मनीष कश्यप जो है वो इस तरह का बयानबाजी किए हैं। पत्रकार का काम ये नहीं होता कि ये किसी का सरकार गिरा देना, किसी का सरकार उठा देना। तो 180 दिन में सरकार गिराने के बाद पप्पू यादव ने जब इस बारे में पता चला तो पप्पू यादव मनीष कश्यप पे आग बबूला हो गया और साफ तौर पे कहा कि अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पप्पू यादव ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए कि अब बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी हो चुकी है, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दिया था कि आपकी सरकार 180 दिन में गिरा देंगे, तो क्या मनीष कश्यप की तो गिरफ्तारी हो गई है, क्या इसके बाद आज से 180 दिन में क्या मनीष कश्यप तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर पप्पू यादव जो है मनीष कश्यप पर कल तक समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब पता चला पूरा मामला तो पप्पू यादव जो है वो मनीष कश्यप पे आग बबूला हो गए। लेकिन आज देखिए कि दो दिन पहले ही मनीष कश्यप के अकाउंट को बिहार पुलिस ने फ्रीज करवाया, उसके बाद आज उनके घर पर कुर्की जब्ती के लिए जाती है। आर्थिक इकाई के संबंध में जब मामला है उसको तहत कुर्की जब्ती के लिए बेतिया थाना क्षेत्र में उनका जो घर पड़ता है वहां पर जब जाती है उसके बाद आज ही मनीष कश्यप कुर्की जब्ती के लिए एक तरफ बिहार पुलिस वहां पहुंचती है, बेतिया की पुलिस पहुंची है, दूसरी तरफ जो है मनीष कश्यप बेतिया के जगदीशपुर थाना में अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, या वहां के जो अधिकारी है, जो वहां के एसपी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।